अरे नहीं, एक छोटे से कीड़े को देखकर तो एक डरपोक ही इतना डर सकता है। मुझे तैरना नहीं आता, मुझे डूबना बंद कर दो। वो कहाँ चले गए? अब तक तो उन्हें बाहर आ जाना चाहिए था। मैक्स, नीचे एक दरवाजा है, वो शायद उस गुफा का ही दरवाजा है और वहीं से हम कॉस्मोस स्टोन तक पहुँच सकते हैं। चाहते चलो आगे बढ़ो, हाँ चलो आगे। डायनासोर किंग तुम बनोगे, हाँ चलो आगे बढ़ो, हाँ चलो आगे। सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है, प्लास्टिक जायंट सारे साथ में है। देखो देखो अब आए हम, डायनासोर में कितना दम, ये फिर से जिंदा हुए, आपस में कितना लड़े, भागो घर के बाहर खड़े। 14 लाख सालों पहले वो फिर वापस आ गया है, राक्षसों से बड़ी, अब न जाने क्या होगा। डायनासोर किंग तुम बनना चाहते, चलो आगे बढ़ो, हाँ चलो आगे। डायनासोर किंग तुम बनोगे, हाँ चलो आगे बढ़ो, हाँ चलो आगे। मुझे लिफ्ट देने के लिए थैंक्स बच्चे, जल्दी मैं तैरना सीख लूंगा। ये गुफा तो बहुत बड़ी है। अरे वाह, इको भी हो रहा है, यहाँ दानव भी हो सकते हैं। शोगन, कहीं उस हीरे के रखवाले कोई राक्षस वास्ते तो नहीं कर रहे हैं ना? मतलब कोई 8 सिर वाला आदमखोर तो नहीं मिलने वाला ना? अरे ये क्या, आप तो कह रहे थे आपको तैरना नहीं आता। मैं पानी के नीचे नहीं तैर सकता, पानी के ऊपर तैर सकता हूँ। ये क्या बात हुई, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम सबसे पहले उस हीरे तक पहुँचना चाहता हूँ, वो हीरा ही मेरी डेस्टिनी है, मेरी शान खतरे में है। मगर हमें ये काम साथ में करना था ना। मैक्स को उसे बचाना ही नहीं चाहिए था। यहाँ कुछ छिपाने की काफी जगह है। अब हम क्या करें, हम किस सुरंग में जाएं? दाएं वाले में। ठीक है तो चलते हैं। अरे मैक्स, आप तो दाएं वाला कह रहे थे ना? यही तो दाएं वाला है। यहाँ तो काफी अंधेरा है। अब लग रहा है कि मैंने काला चश्मा पहनकर गलती कर दी है। तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो यह रोशनी कर सके? हाँ है ना, मेरा ये सुपर डुपर भरोसेमंद पेन लाइट। हाँ, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? देख लिया, लग रहा है कि अब किस्मत पलटेगी। अरे ये देखो, ये तो भालू का वही बच्चा है जो पहले दिखा था। और ये मम्मी भालू भी वही लग रही है। नहीं सही कहा, ये तो वही बच्चा है। मगर अच्छा है कि अभी पापा भालू भयंकर नहीं दिख रहे हैं। एक बात कहूँ, मेरी गर्दन पे जो गर्मी महसूस हो रही है उससे तो नहीं लगता कि पापा भालू यहाँ नहीं है। मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, इसीलिए ये सोचना ही बंद कर दो और मुझसे पहाड़ी बंदर की तरह चिपको भी नहीं। पहाड़ी बंदर? अब बस बहुत हुआ, ये नौटंकी बंद करो। मैक्स, सुना तुमने? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। कहो ना, नहीं, हम मिका टागाहारा से नहीं लड़ेंगे। शोगन, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। मिका टागाहारा के मैदान आपके ही राज्य में है, मगर टाकेड़ा की सेना ने उसके ऊपर कब्जा जमा लिया है, ये तो बेइज्जती है। हमारी सेना को अभी वहाँ जाकर उनसे लड़ना चाहिए, अगर सेना नहीं गई तो वो हमें डरपोक समझेंगे। हमें लड़ना चाहिए। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ दोस्तों, मगर इतिहास कहता है कि मिका टागाहारा की लड़ाई में टोकुगावा की सेना हार गई थी, ऐसे में मुझे असली टोकुगावा को जल्दी ही ढूंढना होगा, वरना ये नकली वाला हमारी सेना को ऐसे ही मरवा डालेगा। मगर वो कहाँ जा रहे हैं? उनके निशान तो पश्चिम की ओर जा रहे हैं।
समझा वो जरूर उस हीरे की तलाश में गए होंगे। वो अपने बॉस की तलाश में जा रहा है और बॉस गया है कॉस्मोस स्टोन की तलाश में। मैं पीछा करता हूँ। मछली और शहद ही खाते हैं। तुम्हारी बात तो सही है जेंडर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे भागने और चिल्लाने की वजह से वो हमें अपना शिकार समझ रहा हो भागना बंद कर देते हैं, है ना? गैंग प्लान बी, उसे डराने के लिए अपने डायनासोर को बाहर निकालो। अभी निकालता हूँ अर्सला, अल्फा स्लैश। कैरी हमें बचाओ। कैरी को भालू के सामने नहीं ला सकते थे क्या? अरे मुझे तो लगता है हम उस पत्थर से आगे आ गए। तुम ये कैसे कह सकती हो? मुझे तो सारे पत्थर एक जैसे ही लग रहे हैं। हम इन गुफाओं में कई घंटे से भटक रहे हैं। आप तो कह रहे थे कि आपको स्टोन का पता मालूम है। हाँ, ये मालूम था कि वो झरने के पीछे है, मगर ये नहीं मालूम कि अब कहाँ जाना है। अब उसके बारे में हमें कब बताने वाले हैं? इतनी तेज कौन चिल्ला रहा है? लेकिन तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? भालू कहाँ? उसके साथ एक दानव भी है। नहीं, वो तो टेरी है। मगर टेरी भालू के पीछे क्यों भाग रहा है? अगर तुम्हें बचाने आया है तो उसे उसके सामने आ जाना चाहिए था ना। सुन लिया ना, इस लड़की को भी इतनी सी बात पता है? ये क्या कह रहे हो? अब उसे यहाँ मत लाना। मेरे पैर जवाब देने लगे हैं और नहीं दौड़ सकती। टेरी से कहो जल्दी कुछ करे। तो ठीक है, अभी करवाता हूँ वोल्केनो बर्स्ट। जोई, तुम ठीक हो ना? इतनी धूल में कुछ नहीं दिख रहा, पर मुझे नहीं लगता कि अब वो भालू हमारे पीछे आ सकता है ना? जोई, लगता है शोगन भी उसके अंदर ही है। क्या? जल्दी करो, हमें उन्हें बाहर निकालना होगा। हेलो प्यारे भालू। मुझसे दूर रहो। इसका बच्चा भी शायद इन पत्थरों के नीचे दब गया है। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक हो। हाँ ठीक है चोंग, हमारी मदद करने के लिए थैंक्स एस। तुम बड़े पत्थर हटाओ चोंग, हम लोग छोटे वाले हटाते हैं। तुम्हारे वोल्केनो बर्स्ट का धमाका ज्यादा बड़ा हो गया था। अब खड़े खड़े तमाशा मत देखो, यहाँ और हमारी मदद करो। हमें मदद करना पसंद भी है, चलो। क्या बात है इस, कुछ गड़बड़ है क्या? तुम कहाँ जा रहे हो? हमें पत्थर हटाना है। एस, मेरे हिसाब से हम अभी तक इस सुरंग में तो नहीं आए थे। तुम वहां पर हो, वापस आ जाओ एस, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ? कॉस्मो स्टोन। क्या तुम मुझे सुन सकती हो जोई? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैक्स में यहाँ शोगन और भालू के बच्चे के साथ हूँ, हम सब ठीक है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जल्दी बाहर निकाल लूंगा। तुम्हें अपने डैडी की याद आ रही है ना? मुझे भी आ रही है। क्या करूं? मैं हारी हुई लड़ाई लड़ने तो नहीं जा सकता। अरे नहीं,
मेरी धड़कनें बढ़ रही है। शांत हो जाओ ट्रेक, गहरी सांस लो। इतिहास में Encoded by Singh Inderjeet YouTube channel. मगर टोकुगावा खुद अपने पांच साथियों के साथ भाग निकला था। वो हमामात्सु फोर्ट्रेस में चला गया था। मतलब मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ? मगर नहीं, मैं असली टोकुगावा नहीं हूँ, मैं तो नकली हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इतिहास की इस लड़ाई में लड़ने के बाद भी बच निकलूं? मुझे भागना होगा, कहीं छिपना होगा। शोगन लड़ाई के लिए बड़े अनोखे तरीके से तैयार हो रहे हैं। टोकुगावा की सेना आ चुकी है। मैं उससे मीका टकाहारा के मैदान में लड़ूंगा और उसे वो मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर रोता रहेगा वो। मास्टर हैं? कौन है वहाँ पे? मैं हूँ मास्टर टिकेडा। तुम्हारे साथ कौन है ये? ये एक जादूगरनी है। शोगन का पीछा करते वक्त हमें जंगल में मिली थी। इसका जादू तो कमाल का है मास्टर। ये हवा में उड़ती है और दानव भी इसके हुक्म मानते हैं। हमें लगा कि इसका जादू आपके काम आ सकता है, इसलिए हम इसे आपके पास लेकर आए हैं। बढ़िया, मगर तुम कौन हो? तुम्हारा कोई नाम तो होगा। मेरा नाम शेर है। शोगन, सेना तैयार है, आपके हुक्म का इंतजार है। चलो अच्छा है, मगर अब तो भागने का वक्त आ गया है। मुझे अभी अभी टॉयलेट जाना है। अरे पता नहीं तुम उसे क्या कहते हो, आउट हाउस लू डब्ल्यू। आप अभी से मत डरिए शोगन। मगर 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 अगर मगर नहीं, हमारी सेना तैयार है, आप उन्हें लड़ने का हुक्म दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ो, हमला करो। तो टोकुगावा उसी हीरे की तलाश में गया है, मेरा अनुमान सही था। आप उसकी कहानी तो जानते ही हैं मास्टर। वो हीरा जिसके पास होगा वो दुनिया पर राज करेगा। मैं बड़ा ही प्रैक्टिकल आदमी हूँ उफू, मैं इन किस्से कहानियों पर यकीन नहीं करता हूँ। लेकिन अगर ये बात सही हुई तो मैं कोई चांस नहीं ले सकता। तुम जाओ और टोकुगावा से पहले ही वो हीरा ढूंढ निकालो। अब जाओ, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। यस सर। सही है, अगर टोकुगावा हीरे की तलाश में गया है तो वो जंग के मैदान में बिल्कुल नहीं आ सकता। मतलब मेरी जीत पक्की है। जब मैं तुमसे और तुम्हारे दोस्तों से पहली बार मिला था तब तुम लोग मुझे बहुत अनोइंग लगे थे, और अब इतना वक्त बिताने के बाद भी तुम लोग अनोइंग ही लगते हो। ठीक है, अच्छी बात है, अब हम बात नहीं करेंगे। I'm sorry. अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे डैड की शक्ल मुझसे वाकई बहुत मिलती है? हाँ, आप दोनों जुड़वा भाई लगते हैं, सिर्फ मुझ का फर्क है। मेरे डैड पूरी तरह से फंस गए हैं। कुछ दिन पहले बदमाशों ने मेरे और मेरे दोस्तों के पेरेंट्स को पकड़ लिया था और हम उनका ही पीछा कर रहे हैं, इसी वजह से हम यहाँ तक आए हैं। तुम्हारे डैड बहुत अच्छे हैं जो उनकी तुम्हारी जैसी बेटी है। तुम बहादुर हो और मुझे यकीन है कि तुम उन्हें जरूर ढूंढ लोगी। हाँ, उन्हें ढूंढने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। एक बात बताइए, अगर मैं कुछ देर आपके करीब बैठूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं। ये बताओ, तुम्हारे डैड करते क्या हैं? वो एक डॉक्टर है। लोगों का इलाज करते हैं, वो बड़े ही शरीफ और अच्छे इंसान होंगे। पता नहीं वो शोगन थे या नहीं, मगर अभी अभी इस गुफा में कोई गया तो है। मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पैदल सिपाही। अब तुम आराम से सो जाओ, इसके आगे मैं खुद चला जाऊंगा। बहुत खूब जॉम्प, तुमने कर दिखाया। चलो बाहर आ जाओ। तुमने इससे प्यारी चीज पहले कभी देखी है क्या? नहीं भी देखी तो आज हमारे वजह से नसीब हुई। तो आप क्या कहते हो पापा भालू, हमसे दोस्ती करोगे? अब तो हमारा पीछा नहीं करोगे ना? दोस्त दोस्तों पर गुर्राता नहीं। दोस्ती में दोस्त अपने दोस्तों को दोस्ती से भी नहीं घूरते। मतलब दोस्ती नहीं करोगे तो जान पहचान, साथी, पड़ोसी। दोस्तों जरा सुनो,
तुम लोगों को पता है मुझे और एस को यहाँ पर क्या मिला है? अब क्या नया मिला है? एक और भालू मिला, ये उससे भी कुछ खतरनाक। नहीं, हमें अच्छी चीज मिली है, ये तो कमाल की है। ये देखो दोस्तों, क्या बात है, तुमने वो हीरा ढूंढ ही निकाला और अब ये मेरा है। ये तो स्पेस पायरेट है। यहाँ से चुपचाप खिसक लो गाबरो। इतनी दूर से यहाँ मैं खिसकने के लिए नहीं, खिसकाने के लिए आया हूँ। मेरा दिमाग खराब मत करो और चुपचाप ये कॉस्मो स्टोन मुझे दे दो। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। बैरियोनिक्स, जल्दी करो इस डायनो अच्छा है, मगर मेरे एक्वाविप के सामने कुछ भी नहीं। नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, हम चौंप और पेरिस को भी भेज देते हैं। सही कहा तुमने। डायनो डायनो स्लैश ट्राइसेराटॉप्स, हमला करो। ब्रिंग अप पेरिसेरोलॉपस। Shogun! नहीं मानोगे तो लो ये स्पेक्ट्रल आर्मर। हम भी उनकी ताकत बढ़ाते हैं। सही कहा, चलो करते हैं। सबक सिखा दो, पेरिस दिखा दो, बॉस कौन है? बॉस से याद आया, मेरे बॉस तो इसे देखकर खुशी से नाचेंगे। संभलो बच्चे, अपने पीछे देखो। ये कॉस्मो स्टोन चुपचाप मेरे हवाले कर दो, चुपचाप। नहीं दूंगा, ये तुम्हें नहीं मिलने वाला। मुझे दो, इस तरफ। इसे मैं रख लेता हूँ। अब ये कहाँ से आ गया? हैंजो, वो हीरा हमें मिल चुका है शोगन, आप जल्दी करिए, मेरे साथ चलिए। अभी चलते हैं, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। बहुत खूब। रुकिए, याद है ना आपने क्या कहा था? आप ये हीरा नहीं ले जाएंगे, ये मेरे डैड को बचाने के लिए जरूरी है। प्लीज, बीच में बोलने के लिए माफ करना, मगर कॉस्मो स्टोन तो मेरे साथ जाएगा। पेरिस, इस लोगों से। शोगन, आप सोचिए मत, जल्दी चलिए। आपके जाने के बाद मैंने आपकी जगह आपके हमशक्ल को महल में पहुंचा दिया था, उसका भेद कभी भी खुल सकता है, आप जल्दी करिए। मेरी जगह किसी और को महल में पहुंचा दिया? हाँ सर, हमारी इनकोडेड बाय सिंह इंद्रजीत यूट्यूब चैनल। कहीं वो मेरे डैड तो नहीं? शोगन, अभी आपका हमशक्ल मिका टागाहारा के मैदानों में हमारी सेना लेकर गया है। टाकेडा ने हमला किया है और हमें उसे जल्दी ही रोकना होगा। टाकेडा से लड़ाई चल रही है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो जल्दी, चलिए चलते हैं। मतलब महल में शोगन की जगह डैड है और वो सेना लेकर जंग लड़ने गए हैं? सुनो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, मेरा कॉस्मो स्टोन लेकर तो बिल्कुल नहीं। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। हमला करो जंग। Yeah.
पैदल सिपाही तुम मुझसे बचकर नहीं। न जाने वो किस तरफ भाग गया दोस्तों, बहुत तेज भागता है वो, और मुझे तो उसके पैरों के निशान भी नहीं दिख रहे। हमें स्पेस पायलट से पहले उसे और कॉस्मोस स्टोन को ढूंढना होगा। भालू ने अभी तक अल्फा गैंग का पीछा नहीं छोड़ा है, उन्होंने किया क्या है? ये तो नहीं पता, मगर हम मुसीबत में फंस गए हैं।